आपको याद है एक बार सोशल मीडिया में डोनेशन की लहर चली थी। एक छोटी सी बच्ची को एक 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना था, इसलिए सब एक दूसरे से डोनेशन की अपील कर रहे थे। पर सवाल यह है कि भैया ऐसी कौन सी बीमारी आ गई जिसका एक इंजेक्शन 16 करोड़ का मिलता है। देखो, इस वेदिका नाम की बच्ची को एक रेयर जेनेटिक बीमारी थी जिसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी कहते हैं। ये बीमारी जीन में गड़बड़ी से नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच जाती है। धीरे धीरे इस बीमारी से बच्चे की मसल्स कमजोर होकर सिकुड़ जाती हैं। इससे बच्चा अपनी मसल्स का कंट्रोल खो देता है। मसल्स का कंट्रोल खोने के कारण बच्चा सांस लेने, बैठने, चलने जैसी एक्टिविटीज खुद से नहीं कर पाता है। इस बीमारी के ज्यादातर पेशेंट्स ट्रीटमेंट के बिना सिर्फ 2 साल की उम्र तक ही जी पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बीमारी के लिए लगने वाले इंजेक्शन की कीमत ही 16 करोड़ है, और एक आम आदमी बेचारा कहां से 16 करोड़ लाए। हालांकि वेदिका के केस में पब्लिक डोनेशन की मदद से 16 करोड़ इकट्ठे कर लिए गए थे, और 15 जून 2021 को 16 करोड़ का ज़ोलजेंसमा का इंजेक्शन लगने के बाद ये बच्ची रिकवर भी होने लगी थी। लेकिन कुछ दिनों में ही सांस लेने में दिक्कत के चलते वेदिका को हॉस्पिटलाइज करवाया गया, जहां पर इस नन्ही सी जान ने दम तोड़ दिया।